बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों, जनरल मोहम्मद मूसा खान पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ थे, जो 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक इस मनसबे जलीला पर फायज रहे। वो 20 अक्टूबर 1908 को क्वेटा में पैदा हुए। वो सरदार यजदान खान के सबसे बड़े फर्जंद थे। उन्होंने 106वें हज़ारा पायनियर्स को बतौर नायक ज्वाइन किया था। फिर उन्हें कैडेट के तौर पर इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून जाने का मौका मिला और ब्रिटिश इंडियन कमीशन ऑफिसर्स के पहले बैच के साथ ग्रेजुएशन करके 1 फरवरी 1935 को बतौर कमीशन ऑफिसर तैनात हुए। 1936 में उन्होंने 13वें फ्रंटियर फोर्स राइफल्स की 6वीं रॉयल बटालियन का प्लाटून कमांडर मुकर्रर किया गया। मूसा खान ने 1936 से 1938 के दौरान वजीरस्तान ऑपरेशन के अलावा दूसरी आलमगीर जंग में भी हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने शुमाली अफ्रीका में खिदमात अंजाम दी। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने बतौर स्टाफ ऑफिसर पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। अयूब खान जब असखुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फिर सदर बन गए तो एक नए कमांडर इन चीफ की तलाश हुई। 5 नाम सामने थे। मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान खटक, जो कि जनरल अली कली खान के वालिद हैं, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी, मेजर जनरल लतीफ़ खान, मेजर जनरल आदम खान और मेजर जनरल मोहम्मद मूसा खान। जनरल मूसा को 5वें से पहले नंबर पर प्रमोट करते हुए शायद कुछ बातें शौरी या लाशौरी तौर पर सदर जनरल अयूब खान के पेश नज़र रही होंगी। मसलन, जनरल मोहम्मद मूसा का ताल्लुक छोटी सी हज़ारा बरादरी से था, चुनाचे यह तवक्का थी कि इस पस मंज़र के साथ मौसूफ़ सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। जनरल मूसा ब्रिटिश आर्मी में रैंकर के तौर पर भर्ती हुए थे। बाद में अपनी मेहनत और लगन से देहरादून अकेडमी में कमीशन हासिल किया, जबकि इनके साथ जनरल डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए थे। अयूब खान फौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे और इनका ख्याल था कि जनरल मूसा खान अहकामात की तामील करने वाले प्रोफेशनल फौजी अफसर हैं। वक्त ने साबित किया कि अयूब खान की ये राय गलत न थी। जनरल मोहम्मद मूसा खान को कमांडर इन चीफ की हैसियत से मियाद में तौसी भी मिली। पाक फौज ने 1965 की जंग भारत जंग इन्हीं की कमान में लड़ी थी। जनरल मोहम्मद मूसा खान ने बहसीयत कमांडर इन चीफ मुल्की सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं की और 17 सितंबर 1966 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। सदर अयूब खान ने उनकी अवामी मकबूलियत के पेश नज़र फौरी तौर पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जबकि फौज के नए कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने संभाल लीं। जनरल मूसा खान ने गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के ओहदे पर 1969 तक खिदमात अंजाम दी। इसके बाद कुछ अरसा कराची में रिटायर्ड लाइफ गुजारी। 1985 में सदर जनरल जयाउल हक ने जनरल मूसा खान को बलूचिस्तान का गवर्नर तैनात कर दिया। दिसंबर 1988 में उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी, जिसे बाद में बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था। 12 मार्च 1991 को जनरल मूसा खान का क्वेटा में इंतकाल हो गया और उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में वाकया इमाम रजा के मज़ार के अहाते में स्पुर्द खाक किया गया। जनरल मूसा खान 1960 से 1966 तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। उन्हें ग्रां कदर अस्करी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज, हिलाल जुर्रत और आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अलावा हिलाल कायद आजम और हिलाल पाकिस्तान जैसे आला सिविल एजाजात से भी नवाजा गया। जनरल मूसा खान अपने खुद नोश समान हयात जवान से जनरल के उनवान से और 1965 की जंग से पहले और बाद के हालात वाकयात माई वर्जन के उनवान से कलमबंद किए। जनरल मूसा खान 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे। इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने जिस बहादुरी से लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों का दिफा किया, इस पर आज भी फख्र किया जाता है। 1965 की जंग ने पाकिस्तानी कौम को कई हीरो दिए। इन्हीं में से एक जनरल मूसा खान भी थे, जिनकी क्यादत में पाक फौज ने चमिंडा में भारत को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई में शिकस्त फाश दी। इस लड़ाई में भारतीयों का इतना भारी जानी नुकसान हुआ कि बकौल जनरल मूसा खान, भारतीय फौजियों की अमवात के अलावा श्रीनगर से लेकर राजकुमारी तक हिंदुस्तानी अस्पताल जख्मियों से भर गए। जनरल जयाउल हक के दौरे हुकूमत में जब मूसा खान को बलूचिस्तान का गवर्नर बनाया गया तो पहली बार आम पाकिस्तानियों को पता चला कि मूसा खान का ताल्लुक क्वेटा की हज़ारा बरादरी से था। चंद सालों से ज़राए ब्लाग में हज़ारा बरादरी का जिक्र दहशतगर्दी का निशाना बनने के हवाले से होता रहा। क्वेटा में हज़ारा कम्युनिटी के कमोबेश 7 लाख अफराद आबाद हैं। ये नस्लन मंगोल हैं, अफगानिस्तान और ईरान में गुज़श्ता 800 साल से मुश्किलात भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये 19वीं सदी के अवाखर में पहली बार अफगानिस्तान से निकले और क्वेटा में आबाद होने लगे।
یہ شیعہ مسلک سے وابستہ ہیں اور اپنے مخصوص خد و خال، قد کاٹ، آنکھوں اور رنگت کی وجہ سے لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچانے جا سکتے ہیں۔ 1985 میں جب جنرل موسیٰ خان بلوچستان کے گورنر بنے تو انہوں نے ہزارہ برادری کی تالیف قلب اور دلجوئی کے لیے انہیں خصوصی مراعات دیں اور ان کے تحفظ اور عزت نفس کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل موسیٰ خان کو خود بھی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق کی بھاری قیمت چکانا پڑی، مگر پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں۔ جنرل موسیٰ خان اپنی خود نوشت سوانح حیات جوان سے جنرل کے صفحہ 129 پر تحریر کرتے ہیں، مجھے 1958 میں مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ میرے سسر اور ان کے بیٹے افغانستان کے رہائشی تھے۔ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ میرے مسلح افواج کا سربراہ بننے کے تقریباً 2 سال بعد 1961 میں افغان حکومت نے میرے سسر اور برادر نسبتی محمد علی کو گرفتار کر کے غزنی کی جیل بھیج دیا۔ یہ کسی جرم میں ملوث نہیں تھے، لیکن صرف میرے رشتہ دار ہونے کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا اور جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے سسر کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا، جبکہ میرے برادر نسبتی کو غزنی جیل سے نکال کر کابل کے مشہور دہی مزنگ جیل میں بھیج دیا گیا۔ جرم یہ تھا کہ تم پاک فوج کے سربراہ کے برادر نسبتی ہو۔ آخرکار حکومت افغانستان نے محمد علی کو رہا کر دیا۔ وہ افغانستان سے نہایت قسم پرسی کی حالت میں نکلا اور اپنے خاندان کے ہمراہ سفر کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے چھپتے چھپاتے پاکستان آ گیا۔ ایئر مارشل چنگیزی کی تعیناتی کابل کے پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی تو میری بیوی اور بیٹا 1975 میں کابل گئے۔ وہ وہاں سے غزنی بھی گئے۔ انہیں امید تھی کہ ان کے والد اور نانا کی قبر کا پتہ چل جائے گا، لیکن ناکامی ہوئی۔ آج تک میری بیوی کو پتہ نہیں کہ اس کے والد کہاں دفن ہیں۔ جنرل موسیٰ خان کا تعلق بلوچستان جیسے دور افتادہ، پسماندہ اور نظر انداز کردہ علاقے سے تھا۔ کسی بھی شعبے میں سیڑھی کے پہلے پائدان سے سفر کر کے آخری اور سب سے بلند و بالا پائدان تک پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے باعث فخر اور دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ خان نے بھی اپنی محنت، دیانت اور لگن کی بدولت جوان سے جنرل تک کا سفر انتہائی کامیابی سے مکمل کیا۔ یہ مسافت انہوں نے صرف اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر طے کی۔ ان کی کامیابیوں کے پیچھے کوئی سفارش ہرگز کار فرما نہ تھی۔ اس تمام سفر میں انہوں نے صرف نیک نامی اور عزت کمائی۔ جنرل موسیٰ خان کو آج بھی پاکستان کے دلیر ترین بیٹوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا۔